झज्जर के बहादुरगढ़ में प्रेमी जोड़े ने होटल के कमरे में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें दोनों ने खुद को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना बहादुरगढ़ के दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित अलकाजा होटल का है। भाई हमारे पास तो रूम लिया था जी, हमने आईडी ले ली, सारी चीजों की, दोनों की रूम दे गए हमने, कर दिया था। एक बार उनको 10:30 बजे आए थे वो, उसके बाद फिर वो 5 बजे चेकआउट करके फिर रात को 8 बजे फिर आए हैं। फिर रात को 2 बजे उन्होंने बताया कि हमने जहर खा लिया, हमने शटर खुलवा कर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। इन डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया रोहतक के लिए एम्बुलेंस को, उसके बाद हमें कोई बता नहीं। सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि वही उनको डेथ हो गई। कहाँ पे थे वो? ये आईडी में है, लड़का तो सराय गाँव का है और लेडीज जो है वो नई बास रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है। वहीं थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि दोनों की पहचान कमरा लेते वक्त होटल में दिए गए आधार कार्ड से हो गई है। दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे भी हैं और दोनों का पिछले लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक महिला बहादुरगढ़ के ही एक गांव की बेटी है और रोहतक जिले के नयाबास गाँव में ब्याही हुई है। दोनों के परिजनों को उनकी मौत की सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में परिजन क्या बयान देते हैं ये देखने वाली बात होगी। सर ये मैन जितेंद्र था, जो लड़के जो पुरुष का नाम था जितेंद्र, जो सरायगांव सराय औरंगाबाद का रहने वाला था और उसके साथ जो महिला थी वो उसका नाम था पूनम, जो कि नए बास रोहतक में छापरा थाने अंतर्गत गांव है, माइक है उसका। तो दोनों ने कल होटल में ये दोनों रुके थे, आईडी अपने प्रॉपर चेक करवा के जमा करवा के आज सुबह होटल से ही हमारे पास रुका आया था। अभी इन्होंने जहर खा लिया, जिनको पीजीआई ले जाया गया जहाँ पे पहले पूनम की मौत हो गई थी और उसके बाद जितेंद्र की भी मौत हो गई थी। अब उन्हें परिजनों बुलाकर पोस्टमार्टम करवाई जा रही है। दोनों शादीशुदा हैं सर? हाँ दोनों मैरिड हैं। ये बच्चे भी हैं दोनों के? हाँ दोनों के मैरिड हैं। सुसाइड नोट भी मिला है? सुसाइड नोट मिला है जी। क्या लिखा है उसमें? जो यही कह रहे हैं भी अपने खुद का स्टेप बता रहे हैं, बाकी तफ्तीश की जाएगी। बता दें कि दोनों कल देर रात अलकाजा होटल पहुंचे थे जहां रात के समय ही दोनों ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। जहर खाने के बाद जितेंद्र ने होटल के रिसेप्शन पर फोन करके बताया कि उन दोनों ने जहर खा लिया है और उनकी तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद होटल स्टाफ ने दोनों को कमरे से बाहर निकाला और तुरंत बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों पहले जितेंद्र और फिर उसकी प्रेमिका पूनम ने दम तोड़ दिया। सत्य खबर के लिए झज्जर से जगदीप राजन की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।